When we start microscopy, before that, we should know that we should note that cells are very, very small. ठीक है ना? Cells are not visible with the naked eye. क्या मतलब है इसका? What is meant by this statement? कि cells are not visible with the naked eye. अगर अभी मैं किसी cell को देखना चाहूं तो मैं सेल को नहीं देख सकता बिकॉज सेल इज वेरी स्मॉल. मैं अपनी आंखों से उसे नहीं देख सकता. आई नीड टू यूज अ माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो दैट. तो हम यहां पे क्या लिखते हैं कि सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद अ नेकेड और अनएडेड आई. ठीक है, नेकेड आई का मतलब या अनएडेड आई का मतलब ये होता है कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे, जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज नहीं कर रहे या आप माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर रहे. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं नेकेड आई या फिर अनएडेड आई. तो आप उससे सेल्स नहीं देख सकते अंटिल एंड अनलेस आप माइक्रोस्कोप यूज ना करो, यू कैन नॉट सी द सेल्स. तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं कि सेल्स कैन बी सीन यूजिंग अ माइक्रोस्कोप. तो ये बात पहले आपको पता होनी चाहिए बिफोर वी डिस्कस माइक्रोस्कोपी, क्योंकि माइक्रोस्कोप पढ़ने का रीजन क्या है, व्हाई आर वी स्टडीइंग माइक्रोस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप के फीचर्स एंड द यूनिट्स ऑफ माइक्रोस्कोप. तो ये सारी चीजें हम माइक्रोस्कोपी में कवर करेंगे. क्यों हम कवर कर रहे हैं? बिकॉज वी कैन ओनली सी सेल्स यूजिंग अ माइक्रोस्कोप. ठीक है, इट मेक्स सेंस नाउ. जब हम माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स जो हमारे सिलेबस में है, और वैसे भी टू टाइप्स के ही हैं. कौन कौन से होते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सो बिफोर डिस्कसिंग द टू माइक्रोस्कोप्स इन डिटेल, हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे यूनिट्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, के माइक्रोस्कोपी में हम क्या क्या यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं. यूनिट्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, यस. तो क्या क्या हम यूनिट्स कंसिडर करते हैं जब हम माइक्रोस्कोपी कंसिडर कर रहे होते हैं, जब हम माइक्रोस्कोपी डिस्कस कर रहे होते हैं? यस, तीन यूनिट्स यूजुअली हम कंसिडर करते हैं. वो कौन कौन से यूनिट्स हैं? नंबर वन इज मिलीमीटर और एमएम. ठीक है ना? तो मिलीमीटर क्या होता है? मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर्स. ये बात सबको क्लियर है कि मिलीमीटर का मतलब क्या है? 10 रेज टू द पावर -3 मीटर्स. यानी अगर आप 1 मीटर हैं, 1 मीटर को डिवाइड कर दो 1000 से या मल्टीप्लाई कर दो 10 रेज टू द पावर -3 से, तो वो मिलीमीटर हो जाता है. सही है ना? क्लियर है सारी बातें? ठीक है, 1 मिलीमीटर is equals to 10 raised to the power -3 meters. इसका सिंपली मतलब क्या है कि अगर आपको मीटर से मिलीमीटर में जाना है, सही है, या रिवर्स जाना है, तो क्या करेंगे? यस, अगर आपको मिलीमीटर से मीटर पे जाना है तो यू डिवाइड बाय 1000. एंड अगर आपको मीटर से मिलीमीटर में जाना है, यू मल्टीप्लाई बाय 1000. इसका मतलब ये होता है 10 रेज टू द पावर -3. यानी 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर्स. ये बातें क्लियर है या नहीं? यस. इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर आपको मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, तो आपको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा. और ऐसे ही है ना, इसको हम और किस तरह लिख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर्स. यानी सिंपली किया क्या कि जब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था तो डिवाइड बाय 1000 कर दिया ना. 1 डिवाइड बाय 1000 कितना आ जाएगा? 0.001.
ठीक है, दूसरा यूनिट हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? जो दूसरा यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो दूसरा यूनिट कौन सा होता है? माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर। एंड माइक्रोमीटर किसके इक्वल है? 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10^-6 meters। ठीक है, यानी अगर आपको मीटर से माइक्रोमीटर में जाना है या रिवर्स जाना है तो क्या करेंगे? अगर आपको मीटर से माइक्रोमीटर में जाना है तो यू मल्टीप्लाई बाय 6 zeros। ठीक है, 1000 1000। क्लियर हो गई बातें? 6 zeros से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइक्रोमीटर से मीटर में जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा बाय 1000 1000। ठीक है, व्हाट इज 1000 1000? इट्स 10 लाख और 1 मिलियन। सही है ना? इसका ये मतलब होता है। और थर्ड यूनिट कौन सा हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोपी में? नैनोमीटर्स। तो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है? 10^-9 meters। यानी अगर आपको मीटर्स से किसमें जाना है? नैनोमीटर्स में, और रिवर्स जाना है तो मीटर से नैनोमीटर्स में जाने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 9 zeros। एंड अगर नैनोमीटर से मीटर में जाना है तो डिवाइड बाय 9 zeros, 1 के बाद 9 zeros। क्लियर हो गई सारी बातें? सो दिस इज द रूल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। मुझे बताओ कोई ऐसा है जिसे ये बातें क्लियर नहीं है? वन माइक्रोमीटर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 0.00001 meters। यानी अगर आपको बेसिकली माइक्रोमीटर से मीटर्स में जाना था तो आपने डिवाइड कर दिया, माइक्रोमीटर से मीटर्स में जाना है ना आपको, तो आप डिवाइड बाय क्या करोगे? 1 मिलियन, यानी 1 के बाद 6 जीरोस। सो यू गेट 0.50, यानी 0.00001 meters। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स हैं तीन जो माइक्रोस्कोपी में यूज होते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 0.000, कितने जीरो जाएंगे? 1 बेसिकली जब आप 1 को डिवाइड करोगे 9 जीरो से, यानी 1 के बाद 9 जीरो से डिवाइड करोगे आप 1 को, तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, बेसिकली माइक्रोस्कोपी जब हम डिस्कस करते हैं तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? ये जितना भी मैंने बताया ये मैंने जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के वे में बताया आपको, कि अगर कभी पेपर में आपसे पूछे कि 1 नैनोमीटर कितना होता है तो आप बोलोगे 10^-9 meters। यानी मैंने मीटर के लिंक से बताया आपको। ठीक है, कि जैसे तीन यूनिट्स है ना माइक्रोस्कोपी के, मिलीमीटर्स, माइक्रोमीटर्स और नैनोमीटर्स। सही है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि मिलीमीटर एमएम क्या होता है? एमएम इज मिलीमीटर, और ये क्या होता है? दिस इज माइक्रोमीटर्स। और एनएम क्या होता है? नैनोमीटर्स। तो यूजुअली अगर वो आपसे मीटर के लिंक से पूछते हैं कि भाई 1 मिलीमीटर कितने मीटर है, तो आप क्या बोलोगे? 10^-3 meters। अगर वो आपसे पूछें कि 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर्स है, तो आप क्या बोलोगे? 10^-6 meters। अगर वो नैनोमीटर की बात करें तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 meters। तो ये पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने मीटर का लिंक दिया है। लेकिन ज्यादातर पेपर में क्या चीज आती है? ज्यादातर इनकी कन्वर्जन आते हैं।
कि जैसे आपको मिलीमीटर से कन्वर्ट करना होता है, किसमें यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर और फ्रॉम माइक्रोमीटर टू मिलीमीटर, या फिर माइक्रोमीटर से आपको कन्वर्जन करनी होगी किसमें, नैनोमीटर्स में. तो ये जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ ना, ये ज्यादा कॉमन है पेपर में. तो ये पता होना चाहिए कि मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइक्रोमीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइक्रोमीटर को नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए. तो सिंपल है कि रिमेंबर द रूल ऑफ थाउजेंड. व्हाट यू शुड रिमेंबर, रिमेंबर द रूल ऑफ थाउजेंड. कि मिली से माइक्रो में जाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड. तुम लोगों ने ये मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे जाते हैं वी मल्टीप्लाई. सही है, कभी भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे. सबको पता है यहाँ पे कि मिलीमीटर बड़ा यूनिट होता है, माइक्रोमीटर उससे छोटा है, नैनोमीटर उससे छोटा है. ठीक है ना, तो बड़े से छोटे पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे. यानी सिंपल ये याद रख लो कि मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड, माइक्रोमीटर से नैनोमीटर में जाएंगे तो अगेन मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड. तो रूल ऑफ थाउजेंड याद रखो. और अगर रिवर्स जाओगे छोटे से बड़े पे, नैनोमीटर से माइक्रोमीटर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय थाउजेंड, और माइक्रोमीटर से अगर मिलीमीटर में जाना है तो अगेन डिवाइड बाय थाउजेंड. क्लियर हो गई सारी बातें, कोई प्रॉब्लम है इस सब में जितना हमने डिस्कस किया. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज पेपर इज कंसर्न्ड. कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो प्रॉब्लम्स. ओके, लेट्स सी के आई एम ड्रॉइंग ए स्ट्रक्चर. तो बेसिकली ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इट्स माइटोकॉन्ड्रियम. हम आगे जाके पढ़ेंगे इसको. सेल के अंदर ये मौजूद होता है, सेल का ऑर्गेनेल है. ठीक है, दिस इज एन ऑर्गेनेल ऑफ द सेल नोन एज द माइटोकॉन्ड्रियम विच इज इन्वॉल्व्ड इन, इट इज इन्वॉल्व्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन. तो हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में माइटोकॉन्ड्रियम को. तो माइटोकॉन्ड्रियम जो है उसका बल्कि ये जो एरो है, ये तो लेंथ का एरो है ना. तो चलो माइटोकॉन्ड्रियम की जो लेंथ आ रही है, फॉर एग्जाम्पल लेंथ को चलो हम छोड़ते हैं, वी टॉक अबाउट द डायमीटर. तो माइटोकॉन्ड्रियम का जो डायमीटर है, फॉर एग्जाम्पल इट्स 1.0 माइक्रोमीटर्स. तो मुझे बताओ कि नैनोमीटर्स में कितना होगा. जो माइटोकॉन्ड्रियम का डायमीटर है इट इज 1.0 माइक्रोमीटर्स, इट इज अ डायमीटर. ठीक है, तो कैन यू टेल मी कि डायमीटर नैनोमीटर्स में कितना होगा. यस, माइक्रोमीटर्स में ये 1 माइक्रोमीटर है, तो नैनोमीटर्स में कितना होगा ये, 1000 नैनोमीटर्स हो जाएगा ये. ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियम का जो डायमीटर है वो 1 माइक्रोमीटर है, या फिर इट्स 1000 नैनोमीटर्स. समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये कन्वर्जेंस आनी चाहिए. ठीक है, ओके. एक और चीज,
okay. So what's this? This is a xylem vessel. ठीक है, ये xylem vessel है. And this xylem vessel has a diameter of 2 millimeter, for example. Yeah, chalo, let's make it 1.2 millimeter. अगर ये 1.2 मिलीमीटर है तो कितना माइक्रोमीटर्स होगी? यस, कितना माइक्रोमीटर्स होगी? ट्वेल्व हंड्रेड. यानी अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? दिस विल बी 1200 माइक्रोमीटर्स. व्हाट अबाउट नैनोमीटर्स? कितना नैनोमीटर्स होगी? यस, व्हाट नैनोमीटर्स? 1200,000. ऐसे ही है ना? तो सिंपली हमने क्या किया कि मिलीमीटर से कन्वर्ट किया हमने माइक्रोमीटर में, और माइक्रोमीटर से कन्वर्ट किया नैनोमीटर्स में. सो आई होप कि ये सब क्लियर है. ये सब बहुत बेसिक है और ये पेपर में बहुत आता है. ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं. हमने यूनिट्स डिस्कस कर लिया माइक्रोस्कोपी के, कन्वर्जन भी डिस्कस कर ली थोड़ी बहुत. अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स. कौन कौन से हैं? Number one is light microscope. And number two is electron microscope. O levels में आपके syllabus में सिर्फ light microscope था. अब जो है वो electron microscope भी हम discuss करेंगे. So basically we will be discussing the differences between the light microscope and the electron microscope. ये दोनों microscopes में difference क्या है? So difference क्या है दोनों microscopes में, वो देखेंगे quickly. And फिर दोनों microscopes को compare करेंगे, क्योंकि paper में comparison points बहुत सारे आते हैं. Okay, so as the name suggests, light microscope, electron microscope. नाम ही इनके बता रहे हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होगा. जब भी हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोप में कोई ना कोई रेडिएशन इस्तेमाल होती है. हमेशा याद रखना कि कोई भी माइक्रोस्कोप होगा उसमें क्या इस्तेमाल होगी? रेडिएशन. अब रेडिएशन लाइट माइक्रोस्कोप में कौन सी होगी? एज द नेम सजेस्ट, लाइट माइक्रोस्कोप. तो इसमें जो रेडिएशन होती है वो कौन सी रेडिएशन होती है? विजिबल लाइट होती है. ठीक है ना? यू ऑल गाइज नो अबाउट विजिबल लाइट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में विजिबल लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट भी होती है. लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप में जो रेडिएशन इस्तेमाल होती है वो कौन सी रेडिएशन होती है? विजिबल लाइट. तो इन लाइट माइक्रोस्कोप द रेडिएशन यूज्ड इज द विजिबल लाइट. जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रेडिएशन कौन सी इस्तेमाल होगी? यस, कौन सी रेडिएशन इस्तेमाल होगी? इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं? बीम की फॉर्म में होते हैं. बीम क्या होती है? व्हाट इज अ बीम?
एक रे होगी जिसमें बहुत सारे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक रे यूज की जाती है एंड दैट रे कंटेन्स फास्ट, वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं, क्योंकि हमने रेडिएशन डिस्कस की हैं, तो बात करते हैं इनकी वेवलेंथ की। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट? वेवलेंथ क्या है विजिबल लाइट की? वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वेवलेंथ के बारे में भी पढ़ना है, बिकॉज वेवलेंथ पे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट? यस, इट इज 400 टू 700 नैनोमीटर। कितनी होती है? 400 टू 700 नैनोमीटर। विजिबल लाइट में कितने कलर्स होते हैं? कैन यू गाइस टेल मी? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विब्योर, ठीक है, सही है ना? तो ये कलर्स होते हैं विजिबल लाइट के अंदर। हाउ मेनी कलर्स? अच्छा, हमने ग्रीन मिस कर दिया। सेवन कलर्स होते हैं ना, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अब होता ये है कि वेवलेंथ क्या होती है लाइट की, विजिबल लाइट की? 400 टू 700 नैनोमीटर। यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? वॉयलेट लाइट की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। वॉयलेट लाइट की कितनी वेवलेंथ होती है? 400 नैनोमीटर, और रेड लाइट की 700 नैनोमीटर। तो याद रहे कि जैसे ही हम वॉयलेट से रेड पे मूव करते हैं, व्हाट हैपेंस? वेवलेंथ इंक्रीजेस। ऐसे ही होता है, सही है? ओके, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम? इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ हो सकती है या नहीं हो सकती? यस गाइस, इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ हो सकती है, नहीं हो सकती? तुम लोग सब लॉगिन करके सो रहे हो, बिकॉज देयर इज मिनिमल इंटरैक्शन। यस, मैंने पूछा कि इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ हो सकती है, नहीं हो सकती? क्या इलेक्ट्रॉन बीम एक वेव है? इज इलेक्ट्रॉन बीम अ वेव और नॉट? नहीं, वेव ही होती है ना। ओके, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। इंटरैक्ट करो यार, डर क्यों रहे हो? डांटूंगा। इलेक्ट्रॉन बीम वेव नहीं है। इलेक्ट्रॉन बीम वेव नहीं है, बिल्कुल सही कह रही हो। इलेक्ट्रॉन बीम वेव नहीं है, तो क्या इसकी वेवलेंथ हो सकती है? नहीं, नहीं हो सकती। ठीक है, सही है। वैसे मैं चाह रहा था कि कोई बच्चा मुझे बोले कि सर इलेक्ट्रॉन बीम तो वेव नहीं है, तो इसकी वेवलेंथ आप क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे। खैर, इलेक्ट्रॉन बीम वेव नहीं है, लेकिन उसकी वेवलेंथ होती है। क्यों? तुम लोगों को एक
तुम्हारे पास अभी एक कॉन्सेप्ट नहीं है एंड इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बिकॉज तुम्हारा भी वो लेवल नहीं है, यानी ए टू में आओगे व्हेन यू विल बी स्टडिंग ए टू फिजिक्स, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई पार्टिकल बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो वेव की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है, समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन बीम इज नॉट अ वेव, बट इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमेशा ये बात याद रखना कि अगर कोई पार्टिकल ऐसा है कि जो बहुत रैपिडली मूव कर रहा है, बहुत फास्ट, तो वो वेव की तरह एक्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे मूव वेरी फास्ट दे एक्ट लाइक अ वेव, एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज वेरी वेरी स्मॉल एंड दैट इज 1.0 नैनोमीटर्स, बहुत छोटी वेवलेंथ है, समझ में आई बात? वेरी स्मॉल वेवलेंथ 1.0 नैनोमीटर, जबकि लाइट, विजिबल लाइट की वेवलेंथ क्या है, 400 से 700 नैनोमीटर। क्लियर हो गई सारी बातें? अब ये वेवलेंथ डिस्कस क्यों कर रहा हूं मैं यहां पे, ये वेवलेंथ मैंने क्यों डिस्कस की? यस, बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज रेजोल्यूशन, एंड रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, ठीक है? तो लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो क्या है, लो रेजोल्यूशन, क्योंकि वेवलेंथ जितनी हाई होती है रेजोल्यूशन उतनी कम होती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट हैज अ हायर रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन क्या होती है इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको डिस्कस करने के लिए हमें अलग पेज पे जाना पड़ेगा। यस, सो हाउ डू वी डिफाइन रेजोल्यूशन, डिफाइन करते हैं रेजोल्यूशन को। रेजोल्यूशन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स और स्ट्रक्चर्स इफ टू पॉइंट्स कैन नॉट बी रिजॉल्व दे विल अपीयर एज अ सिंगल पॉइंट। अब ये डेफिनेशन तो सर के ऊपर से ऐसी गुजरी होगी, तुम लोगों को लग रहा होगा सर फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी समझ में आएगी थोड़ी देर में, ठीक है? ये डेफिनेशन पेपर में लिखने के लिए, पेपर में लिखने वाली डेफिनेशन है, ठीक है? समझने वाली इतनी नहीं है तो उसको समझाते हैं कि रेजोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। रेजोल्यूशन इज द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स। चलो मैं पहले कंप्लीट कर लूं सारी बातें, फिर एक साथ एक्सप्लेन करता हूं कि रेजोल्यूशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन यूज्ड। सो रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज कितनी होनी चाहिए, रेजोल्यूशन की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन यूज्ड। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हम कौन सी रेडिएशन यूज करते हैं, विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट जो है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 400 से 700। तो बेसिकली जब भी हम रेजोल्यूशन की वैल्यू निकालते हैं हम स्मॉलेस्ट वेवलेंथ लेते हैं, तो हम 400 यहां पे चूज करेंगे और उसको क्या कर देंगे, हाफ, तो आंसर कितना आएगा, 200 नैनोमीटर। हम 700 नहीं यहां पे वैल्यू चूज करेंगे, क्योंकि जब भी रेजोल्यूशन की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी रेडिएशन की वजह से, यानी रेजोल्यूशन किसी रेडिएशन की वजह से होती है, जैसे लाइट रेडिएशन है, इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन है, तो लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट यूज हो रही है तो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन विजिबल लाइट के हिसाब से होगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल हो रही है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन बीम के हिसाब से होगी। जब भी हम रेजोल्यूशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो रेजोल्यूशन किसके इक्वल होती है, वेवलेंथ को आप हाफ कर दो, इसके इक्वल होती है। और जब भी हम रेजोल्यूशन निकालते हैं तो हम स्मॉलेस्ट वेवलेंथ लेते हैं, तो 400 से 700 है ना, तो हम 400 यहां पे लेंगे, तो रेजोल्यूशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 200 नैनोमीटर। और अगर हम रेजोल्यूशन निकालें
रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो किसके इक्वल होगी, 1.0 नैनोमीटर इंटू 0.5, तो आंसर क्या होगा इसमें, 0.5 नैनोमीटर। तो बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कितनी है, 200 नैनोमीटर, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है 0.5 नैनोमीटर। अब इसका मतलब क्या है, अब मतलब समझते हैं। तो मतलब सिंपली ये है कि इफ टू पॉइंट्स हैव अ डिस्टेंस ग्रेटर देन 200 नैनोमीटर दे विल बी विजिबल यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप। यानी रेजोल्यूशन क्या होती है, रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप की एबिलिटी होती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स, ठीक है, यानी दो सेपरेट पॉइंट्स हैं उनको अलग दिखाना, सही है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं कि आई एम ड्रॉइंग अ न्यूक्लियस, लाइट माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस ऐसा नजर आता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस कैसा नजर आता है, कुछ ऐसा। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है तुम लोगों को दोनों चीजों में? यस, दोनों न्यूक्लियस हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस डिफरेंट नजर आता है, लाइट माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस डिफरेंट नजर आता है। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? कैन यू नोटिस द डिफरेंस? डिफरेंस नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या डिफरेंस है सर? आउटर वॉल का स्ट्रक्चर, आउटर वॉल यानी डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी यहां पे हमें क्या नजर आ रही है, ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, इसे क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लाइट माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, यानी न्यूक्लियस को हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें नजर आ रही है सिंगल मेम्ब्रेन, जबकि यहां पे हमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कैसे नजर आ रही है, डबल लेयर्ड या इट्स डबल मेम्ब्रेन। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द हायर रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी समझो इस बात को कि ये जो मेम्ब्रेन के दो पॉइंट्स हैं, मेम्ब्रेन की दो बाउंड्रीज है ना, यानी एक समझो मैं यहां पे दो पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं, एक पॉइंट ये है नजर आ रहा है पॉइंट ग्रीन वाला, और दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। इन पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, फॉर एग्जांपल इन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है इट्स अराउंड 10 नैनोमीटर्स,
तो ये पॉइंट्स जो हैं सेपरेट नजर आ रहे हैं आपको, ये पॉइंट्स आपको सेपरेट क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन क्या है, 0.5 नैनोमीटर। इसका क्या मतलब है कि अगर दो पॉइंट्स जो हैं, इफ दो पॉइंट्स जो हैं उनके बीच में डिस्टेंस, उनके जो बीच का डिस्टेंस है अगर वो 0.5 नैनोमीटर से ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अलग अलग पॉइंट्स नजर आएंगे। यानी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है अगर वो 0.5 नैनोमीटर से ज्यादा हुआ तो वो दो पॉइंट्स अलग नजर आएंगे आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है। और लाइट माइक्रोस्कोप के केस में क्या है कि उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस 200 नैनोमीटर से ज्यादा हुआ तो वो आपको नजर आएंगे सेपरेट यूजिंग द लाइट माइक्रोस्कोप। यानी सिंपली रेजोल्यूशन क्या है, इट इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स। यानी आपको दो सेपरेट पॉइंट्स को अलग होके देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो कि अगर मैं यहां पे दो पॉइंट्स बनाऊं, क्या ये तुम्हें सिंगल पॉइंट नजर आ रहे ब्लैक वाला या दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं? भाई मैंने दो पॉइंट्स बनाए तो मैं सिंगल नजर आ रहे हैं, दो सिंगल नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी आई की रेजोल्यूशन जो है वो इसको, जो आई की रेजोल्यूशन है हमारी वो इसको सेपरेट नहीं कर पा रही, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही इसके बीच में। तो रेजोल्यूशन क्या होती है कि एबिलिटी होती है दो पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करने की। और रेजोल्यूशन किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ का हाफ होता है। तो सिंपली मतलब ये है कि लाइट माइक्रोस्कोप से जब भी आप कोई स्ट्रक्चर देखोगे तो उसका अगर साइज 200 नैनोमीटर से ज्यादा होगा तो आपको नजर आएगा। बहुत मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आप कि लाइट माइक्रोस्कोप से जब भी आप कुछ देखते हो, सेल देखते हो, तो सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होगा अगर उसका साइज 200 नैनोमीटर से ज्यादा होगा तो आपको नजर आएगा, वरना वो आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। कि जैसे यहां पे देखो जो डबल मेम्ब्रेन है उसका साइज कितना है, 10 नैनोमीटर, या ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस 10 नैनोमीटर का है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो नजर आ जाते हैं लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आएंगे। क्यों? यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हाई रेजोल्यूशन है। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उन दो पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश कर सकता है जिसमें 0.5 नैनोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस हो। तो 10 नैनोमीटर इज ग्रेटर देन 0.5 नैनोमीटर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन पॉइंट्स को सेपरेट दिखाएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डबल मेम्ब्रेन की बाउंड्रीज हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 नैनोमीटर का है। तो ये डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। यानी आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये दो पॉइंट्स अलग नजर आ रहे हैं, आपको डबल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, डबल मेम्ब्रेन पूरी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस 0.5 नैनोमीटर से ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन इसको अलाउ करती है कि ये दो पॉइंट सेपरेट नजर आएंगे। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप में क्या है कि लाइट माइक्रोस्कोप से दो पॉइंट सेपरेट तब नजर आएंगे जब उनका डिस्टेंस 200 नैनोमीटर से ज्यादा हो, क्योंकि दो मेम्ब्रेन के बीच में डिस्टेंस 200 नैनोमीटर से कम है तो वो दो पॉइंट्स एक ही पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको, डबल पॉइंट्स नजर नहीं आएंगे। तो आपको मेम्ब्रेन क्या नजर आ रही है? सिंगल नजर आ रही है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अगर तुम लोग सबको प्रॉब्लम है, अगर ये बात समझ नहीं आई है तो मुझसे वापस पूछो, मैं इसको वापस समझाऊंगा। जितनी दफा पूछोगे उतनी दफा समझा दूंगा, बिकॉज आई नो रेजोल्यूशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 3 से 4 दफा रिपीट करना पड़ता है फिर स्टूडेंट्स को समझ में आता है। यस, समझ में आया कॉन्सेप्ट या नहीं आया? जिसको नहीं आया समझ में, प्लीज मैसेज या मुझे ऑडियो पे बताओ नहीं आया, ठीक है। मैं इसको एक दफा वापस रिपीट कर रहा हूँ। सर आपने कहा था कि हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज यूज्ड, सो यू टुक 400 इन लाइट माइक्रोस्कोप, 400 यू मल्टीप्लाइड 400 बाय 0.5, बट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यू टुक 1 व्हेन यू हैव टू टेक 0.5, बिकॉज़ 0.5 1 का हाफ होगा ना, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले आपने हाफ लिया 700 का, लाइक 400 टू 700 वाले। नो, मैंने 700 का हाफ नहीं लिया, 800 मतलब। तो फिर आपने वो 400 लिया तो फिर इसको ये मैंने, सही है, कोई बात नहीं। आई थिंक तुमने सही से सुना नहीं। मैंने क्या कहा था कि जब भी हम रेजोल्यूशन फाइंड करते हैं तो अगर वेवलेंथ की रेंज गिवन होती है ना, तो आप कौन सी वेवलेंथ यूज करते हो? शॉर्टेस्ट।
400 से 700 नैनोमीटर रेंज है ना, तो यहाँ पे मैं 700 यूज नहीं करूंगा, मैं 400 यूज करूंगा. कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऊपर 1 अपॉन हाफ, ऊपर हाफ के लिखा वो रेजोल्यूशन हाँ वो रेजोल्यू वो यही तो है ना. यहाँ पे कह रही हूँ रेजोल्यूशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन यूज. हाफ से हम मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ का मतलब ये होता है रेजोल्यूशन. जब आप कैलकुलेट करते हो ना तो आप वेवलेंथ को हाफ करते हो, सही है? रेजोल्यूशन कैलकुलेट करते हुए वेवलेंथ को हाफ करेंगे, और रेजोल्यूशन कैलकुलेट करते हुए जो वेवलेंथ लेंगे वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेंगे. वापस एक दफा मैं बोल रहा हूँ ये बात गौर से सुनना. रेजोल्यूशन को जब कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? रेजोल्यूशन इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू 0.5. ये फॉर्मूला है रेजोल्यूशन का, समझ में आई बात? और अगर आपको किसी रेडिएशन की वेवलेंथ रेंज में गिवन है, यानी ऑब्वियसली रेजोल्यूशन निकालने के लिए अगर मैं तुमसे बोलूंगा रेजोल्यूशन निकालो, तुम मुझसे क्या बोलोगी कि सर मुझे वेवलेंथ तो बताएं. तो मैं अगर तुम्हें वेवलेंथ की एक वैल्यू बताऊं, मैं तुम्हें बोलूं 650, तो तुम 650 यहां पे पुट करोगी ना. लेकिन अगर मैं तुम्हें रेंज दे दूं, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि भाई 200 से 300 है, चलो, तो फिर तुम क्या करोगे, कौन सी वेवलेंथ चूज करोगी उसमें से? 200. ऑब्वियसली. बस ये बात समझ में आ गई सबको कि रेजोल्यूशन कैलकुलेट करते हुए हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इस्तेमाल करते हैं. और रेजोल्यूशन का फॉर्मूला ये होता है कि वेवलेंथ को आप हाफ कर दो या 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है. हाफ करना या 0.5 से मल्टीप्लाई करना एक ही बात है, ठीक है? ये हो गया फॉर्मूला. अब मैं इसको वापस समझा देता हूं कि जो रेजोल्यूशन की वैल्यू आती है वो आपको क्या बताती है. जैसे अगर रेजोल्यूशन की वैल्यू आ रही है 200 नैनोमीटर, तो वो आपको क्या बता रही है कि जो स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर 200 नैनोमीटर से बड़े हैं वो आपको नजर आ जाएंगे यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप. लेकिन जो 200 नैनोमीटर से छोटे हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे लाइट माइक्रोस्कोप से. समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ये बहुत ही मैंने बेसिक बताया तो समझ में आ जाना चाहिए कि रेजोल्यूशन 200 नैनोमीटर आ रही है लाइट माइक्रोस्कोप की, इसका मतलब ये है कि 200 नैनोमीटर से ग्रेटर जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे सेल के अंदर यू विल बी एबल टू व्यू देम यूजिंग द लाइट माइक्रोस्कोप. लेकिन अगर 200 नैनोमीटर से कोई छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे तो वो नजर नहीं आएंगे. ये बात क्लियर होगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में रेजोल्यूशन कितनी है? 0.5 नैनोमीटर. तो जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल को देखोगे तो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होंगे 0.5 नैनोमीटर से बड़े वो सब नजर आएंगे आपको. यानी एनी स्ट्रक्चर ग्रेटर देन 0.5 नैनोमीटर विल बी विजिबल, सही है? लेकिन 0.5 नैनोमीटर से कोई छोटा स्ट्रक्चर होगा तो वो विजिबल नहीं होगा. ये बात क्लियर हो गई? ये मैं लिख भी देता हूं यहां पे. फिर इसके बाद टू पॉइंट्स वाली बात करते हैं. एनी स्ट्रक्चर विद अ डायमीटर या लेंथ ऑफ ग्रेटर देन 200 नैनोमीटर विल बी विजिबल यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप. एनी स्ट्रक्चर लेस देन या एनी स्ट्रक्चर विद अ डायमीटर और लेंथ लेसर देन 200 नैनोमीटर विल नॉट बी विजिबल. ये बात क्लियर है? सेम पॉइंट हम किसके बारे में लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में. लेकिन उसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी ना. एनी स्ट्रक्चर विद अ डायमीटर और लेंथ ग्रेटर देन 0.5, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 0.5 नैनोमीटर है. यानी कोई भी स्ट्रक्चर अगर 0.5 नैनोमीटर से बड़ा होगा तो वो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो. इन एनी स्ट्रक्चर विद अ डायमीटर और लेंथ लेसर देन 0.5 नैनोमीटर आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते.
ये बातें क्लियर हो गई यहाँ पे? ये जो नीचे मैंने लिखा है सिंपल करके लिखा है ताकि सबको समझ में आ जाए, क्लियर? अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, क्योंकि आपको जो ऊपर पेपर में डेफिनेशन लिखनी है वो आपको समझ में भी तो आनी चाहिए ना, रट्टा तो नहीं लगाना, ठीक है ना, उसको समझना है। यानी जो मैंने नीचे पॉइंट्स लिखे हैं वही रिलेट कर रहे हैं ऊपर वाले पॉइंट्स से, ठीक है। रेजोल्यूशन ये होती है कि एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स, जैसे मेरी दो फिंगर्स हैं, सही है ना, यू कैन डिस्टिंग्विश देम, यानी तो मेरी दो अलग अलग फिंगर्स नजर आ रही है ना, यू कैन सी दीज टू सेपरेट फिंगर्स, तो सेपरेट पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी रेजोल्यूशन है। जितना वो करीब होंगे उनको डिस्टिंग्विश करना इतना मुश्किल है, और जितना दूर होंगे उतना उनको डिस्टिंग्विश करना आसान होता है ना। तो बेसिकली रेजोल्यूशन बताती है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए पॉइंट्स के बीच में ताकि वो अलग नजर आए। यानी लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है 200 नैनोमीटर, वो क्या कहती है कि अगर 200 नैनोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस होगा दो पॉइंट्स के दरमियान तो दो पॉइंट्स अलग नजर आएंगे, लेकिन अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 200 नैनोमीटर से कम हुआ तो वो मर्ज कर जाएंगे, एक पॉइंट नजर आएंगे आपको, सिंगल पॉइंट नजर आएंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट? मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ, लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है 200 नैनोमीटर, सही है। तो लाइट माइक्रोस्कोप के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग लाइट माइक्रोस्कोप दो पॉइंट्स को अलग कब दिखाएगा, दो पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश कब करेगा, जब उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो 200 नैनोमीटर से ज्यादा हो तो उनको अलग पॉइंट्स दिखाएगा, सेपरेट पॉइंट्स दिखाएगा, उन दोनों पॉइंट्स को सेपरेट दिखाएगा। लेकिन अगर उन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना हो, यस 200 नैनोमीटर से कम हो तो उनको सेम पॉइंट दिखाएगा, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें क्या नजर आ रही है, सिंगल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, क्योंकि इन रियलिटी जो मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन्स होती है ना, दो मेम्ब्रेन्स को आप कंसीडर करो दो पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है 10 नैनोमीटर, और लाइट माइक्रोस्कोप इसको रिजॉल्व नहीं कर सकता। यानी इन दो पॉइंट्स के बीच में 10 नैनोमीटर का डिस्टेंस है, लाइट माइक्रोस्कोप इनको सेपरेट करके नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप सिर्फ उन पॉइंट्स को सेपरेट करके दिखा सकता है जिनमें डिस्टेंस 200 नैनोमीटर से ज्यादा हो। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? इसलिए हमें सिंगल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, डबल मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही, सही? यहां पे देखो, यहां पे हमें डबल मेम्ब्रेन क्यों नजर आ रही है, क्योंकि जो दो पॉइंट्स हैं, जो दो मेम्ब्रेन हैं उनको हम दो पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमें दो पॉइंट सेपरेट क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस 10 नैनोमीटर का है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उन पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश कर सकता है, सेपरेट दिखा सकता है जिनका डिस्टेंस 0.5 नैनोमीटर से ज्यादा हो। तो 10 नैनोमीटर इज ग्रेटर देन 0.5 नैनोमीटर, बट इन दिस केस 10 नैनोमीटर इज लेस देन, सॉरी, हाँ 10 नैनोमीटर इज लेस देन 200 नैनोमीटर, सही है। तो अगर कोई माइक्रोस्कोप दो पॉइंट्स को सेपरेट नहीं दिखा सकता तो वो पॉइंट आपको सिंगल नजर आएगा। समझ में आया आई बात? ये तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, पढ़ो इस डेफिनेशन को क्या है। एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स और स्ट्रक्चर्स इफ टू पॉइंट्स कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड, अगर वो रिजॉल्व नहीं हो सके, अगर उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सके, तो दे विल अपीयर एज अ सिंगल पॉइंट। एक दफा वापस रिपीट कर रहा हूं, लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कितनी है 200 नैनोमीटर, यानी अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 200 नैनोमीटर से ज्यादा होगा तो वो दो पॉइंट्स अलग नजर आएंगे, लेकिन अगर उन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 200 नैनोमीटर से कम होगा तो सिंगल पॉइंट नजर आएंगे, दो पॉइंट्स अलग अलग नजर नहीं आएंगे, वो मर्ज हो जाएंगे, सिंगल नजर आएंगे, सही है। यही रीजन है कि एक्चुअली है डबल मेम्ब्रेन्स लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 10 नैनोमीटर का, और डिस्टेंस कितना होना चाहिए लाइट माइक्रोस्कोप को दिखाने के लिए, इनको सेपरेट पॉइंट्स दिखाने के लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए 200 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 10 है जो कि 200 से कम है, तो ये दोनों पॉइंट्स मर्ज करके सिंगल मेम्ब्रेन नजर आएंगे, वापस डबल मेम्ब्रेन्स है, दो अलग अलग मेम्ब्रेन्स हैं, मेरी फिंगर्स को देखो,
इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 10 नैनोमीटर्स का। इसको लाइट माइक्रोस्कोप रिजोल्व नहीं कर सकता क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप उन दो पॉइंट्स को सेपरेट दिखाता है जिनमें डिस्टेंस 200 नैनोमीटर से ज्यादा हो, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो 200 नैनोमीटर से कम है, 10 नैनोमीटर है, तो ये दोनों पॉइंट्स मर्ज कर जाएंगे और लाइट माइक्रोस्कोप आपको सिंगल मेम्ब्रेन दिखाएगा। सही है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रेजोल्यूशन 0.5 नैनोमीटर है, तो अगर दो मेम्ब्रेन हैं ये, इनके बीच में 10 नैनोमीटर डिस्टेंस है, तो वो 0.5 से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनको रिजोल्व कर लेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनको दो अलग अलग पॉइंट्स दिखाएगा, दो अलग अलग मेम्ब्रेन दिखाएगा। आई होप आई एम क्लियर नाउ। यस, एम आई क्लियर नाउ? तो क्विकली आई एम जस्ट टेस्टिंग योर कॉन्सेप्ट्स इन 2 मिनट्स। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। दिस इज अ लाइसोसोम। लाइसोसोम इज 0.4 माइक्रोमीटर्स, ये चलो 0.1 माइक्रोमीटर्स। देन वी हैव अनदर स्ट्रक्चर, and this is ribosome, it is 25 nanometers. ठीक है। And then we have chloroplast, this is a chloroplast. क्लोरोप्लास्ट जो है उसका डायमीटर कितना है, 3 माइक्रोमीटर्स। क्विकली मुझे बताओ कि कौन से स्ट्रक्चर्स हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स हम दोनों माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। यस, दूसरी क्लास है, जल्दी जल्दी बताओ। लाइसोसोम हम किससे देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करो। लाइसोसोम का डायमीटर कितना है, 0.1 माइक्रोमीटर्स, तो वो कन्वर्ट होकर कितना हो जाएगा नैनोमीटर्स में, 100 नैनोमीटर्स, 1000 से मल्टीप्लाई किया मैंने। तो मुझे बताओ लाइसोसोम किस माइक्रोस्कोप से देखेगा, लाइट से देखेगा या नहीं देखेगा? Yes. लाइट से नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि लाइट से दिखने के लिए इसको 200 नैनोमीटर से बड़ा होना चाहिए, ये 200 नैनोमीटर से छोटा है, so only visible using electron microscope. What about ribosome? 25 नैनोमीटर,
इसे कन्वर्ट क्यों किया है दानियल? दानिया, सॉरी दानिया, तुमने इसे क्यों कन्वर्ट किया? तो नैनोमीटर में ही है, वेवलेंथ भी नैनोमीटर में है, ये भी नैनोमीटर में है, इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुमने इसे 25,000 कर दिया तो ये तो पीको हो जाएगा, नैनो से पीको चले जाएगा, पीको हम यूज नहीं करते माइक्रोस्कोपी में, बिकॉज दिस इज 25 नैनोमीटर एंड इट इज लेस देन 200, तो इसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाएगा, ओनली विजिबल यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट इज 3 माइक्रोमीटर्स विच इज ऑल्सो 3000 नैनोमीटर्स, ऐसे ही है ना? And 3000 nanometers is greater than 200. So light microscope se nazar aayega. Visible using both light microscope and electron microscope. Dono se nazar aayega na? Yani yahan pe simply ek cheez yaad rahe. जब भी साइज आपके पास हो ना, आप देखो कि ये जो 100 है इट इज लेस देन 200 नैनोमीटर बट ग्रेटर देन 0.5, तो अगर वो 200 नैनोमीटर से कम है तो लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आएगा, और 0.5 नैनोमीटर से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आएगा, सही है? यहां पे 25 नैनोमीटर में देखो लेस देन 200 नैनोमीटर बट ग्रेटर देन 0.5, ऐसे ही है ना? तो 25 नैनोमीटर इज लेस देन 200 नैनोमीटर तो लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आएगा, बट इट इज ग्रेटर देन 0.5 नैनोमीटर तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आएगा। यहां पे 3000 नैनोमीटर इज ग्रेटर देन 200 नैनोमीटर एज वेल एज ग्रेटर देन 0.5 नैनोमीटर, तो दोनों माइक्रोस्कोप से नजर आएगा। नजर आने के लिए क्या होना चाहिए? साइज रेजोल्यूशन की वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। तो टेक होम मैसेज इज, किसी भी स्ट्रक्चर को किसी भी इलेक्ट्रॉन से नजर आने के लिए क्या चाहिए? उसका साइज रेजोल्यूशन से ज्यादा होना चाहिए, रेजोल्यूशन की वैल्यू से। कम होगा तो नजर नहीं आएगा। साइज अगर रेजोल्यूशन की वैल्यू से कम है तो वो स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा, और अगर साइज रेजोल्यूशन की वैल्यू से ज्यादा है तो वो स्ट्रक्चर नजर आएगा।